गरम ही तो मटर छिले। हाँ, जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी से डे मटर छिले दे ऐसा के वो ठाला है ठीक है। ई जे को डोना गरबा ये ते ही कम कर दो ठीक है। चल फ्रेंड्स, तो फिर हमने वो क्या पास्ता के सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए। हम हमेशा पास्ता यूज़ करते हैं। हमें अभी 3 पैकेट्स बनाने और अचारी मैक्रोनी बनाना है। अचारी में कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शुरू करते हैं आज का व्लॉग इस दिन से। आज बहुत बारिश हो रही थी फ्रेंड्स, बारिश भी कम पर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। इस वजह से इस खुशी में आज हम मैक्रोनीज बना रहे हैं पास्ता। उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जो जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह डालेंगे वो सब आप लोगों के साथ ही शेयर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को फुल देखिएगा। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी से मटर छिले दे ऐसा के वो ठाला है ठीक है। ई जे को डोना गरबा ये ते ही कम कर दो ठीक है। चल बाहर हूं, घर में ऐसा इंसान हूं। अभी ये जो बाहर डोन है ये घर पे इधर काम करता है, ये करता है मटर छिलवा रहा है, उसके बाद कैबेज करवाएगा, फिर कैरेट करवाएगा, फिर सब सारा काम ये करते हैं। इससे हम सारा काम करवाते हैं, घर में झाड़ा पोछा झाड़ू पोछा सब कुछ लगवाते हैं। बाहर ये ऐसे दिखा रहा है जैसे कि मैं बड़ा डॉन हूँ, ठीक है गाइस, आप लोग देख रहे हो। नो डाउट फ्रेंड्स के पास्ता तो हर कोई अपने घर में बनाता है और बहुत ही अच्छे बनाता है। मतलब पर जो हम पास्ता बनाते हैं और वो भी मेरी भाभी के पास हाथों के पास्ता बहुत ही अच्छे मज़ेदार होते हैं और उसकी रेसिपी है भी कुछ अलग तरीके से। अब वो आप लोग देखिएगा और फिर आप लोग अपने घर में बनाकर खाइएगा। इंशाल्लाह आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, मज़ेदार लगेगी, यम्मी सी लगेगी इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, तो फिर हमने वो क्या पास्ता के सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए। हम हमेशा पास्ता यूज़ करते हैं। हमें अभी 3 पैकेट्स बनाने और अचारी मैक्रोनी बनाना है। अचारी मैक्रोनी के लिए हम अचारी मैक्रोनी हो या कोई भी पास्ता हो, पर हम लेते हैं हमेशा इस बेक पार्लर के पास्ता लेते हैं। बेक पार्लर के पास्ता ना टूटते हैं और ना ही मतलब ऐसे जैसे चिपचिपे से होते हैं, इस तरह से नहीं होते, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो फिर हम लेते हैं बेक पार्लर के मैक्रोनीज, ठीक है। हम 3 पैकेट बनाएंगे। 3 पैकेट के लिए हमने 1 कैबेज का फूल काटा है और फिर उसके बाद हमने कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च काटी है, 2 शिमला मिर्च काटी है और हम मटर भी डालते हैं। तो हमने मटर शायद पाव लिया था मटर, उसके बाद हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है वो बनाया है। उसके बाद हम टमाटर है, टमाटर डालेंगे और जो सॉसेस हमने वो हम शंग्रीला की यूज़ करते हैं। तो उसमें चिली सॉस हो गया, सोया सॉस हो गया, विनेगर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। और टमाटो के बाद चिकन की बारी आती है, हम बनाते चिकन में ही है। चिकन अम्मी धो रही है तो वॉश कर रही है, फिर वो सूट में वहाँ करूँगी। सारा जो प्रोसेस होगा भाभी डालती जाएगी, इंग्रेडिएंट्स सारे मिक्स करती जाएगी और बनाती जाएंगी। वो सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उम्मीद करेगी आप लोगों को अच्छा लगेगा, फिर आप लोग अपने घर पे बनाइएगा और खाइएगा और फिर हमें रिव्यू दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसमें कैरेट मतलब का डालना मिसिंग हो गया था, ऐड करना जो मैंने चीज़ें बताई इंग्रेडिएंट्स उसमें कैरेट नहीं था, वो भाभी ने साइड से रखा था, वो पता ही नहीं चला। फिर वो
काटी हुई नहीं थी, तो मम्मी ने जल्दी जल्दी कट की है और फिर मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किए। तो कैरेट भी लाजमी डालिएगा, उसका एक अपना फ्लेवर होता है, एक अच्छा टेस्ट आता है। चलिए फ्रेंड्स, तो चलते हैं किचन में और देखते हैं कि क्या क्या कैसे बनता है, क्योंकि काफ़ी लोग जो चिकन डालते हैं वो बोनलेस डालते हैं, पर हम बोनलेस नहीं डालते, हम बोन्स के साथ ही डालते हैं। उसमें और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। मुझे वैसे मैक्रोनीज सबसे ज़्यादा पसंद, मेरी भाभी की ये वो बनाती है तो मैं खाती हूँ, वरना मैं कम खाती हूँ, मैक्रोनीज इतना नहीं खाती। मेरी सिस्टर बनाती है फिर उसके भी थोड़े बहुत खा लेती हूँ, पर सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरी भाभी के, मैं उसके ज़्यादा खाती हूँ, अचारी फ्लेवर में तो सबसे ज़्यादा ही। ठीक है फ्रेंड्स, फिर शूट करते हैं, मिलते हैं बाद। फ्रेंड्स, ऑयल डालकर फिर ऑयल में क्या करेंगे कि अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे उसको। उसके बाद इसमें चिकन डालेंगे, उसको थोड़ा फ्राई करेंगे।
और वहां से उसने मीठी टिकिया बनाई है वो भेजेगी। ये भाई देने जा रही है। फ्रेंड्स पास्ता बन चुका है, अभी हम खाएंगे, टेस्ट करेंगे और फिर आपको रिव्यू बताएंगे कि कैसा है। वैसे तो हम तो हमेशा खाते हैं, रिव्यू क्या, वो हमेशा अच्छा ही होता है। फिर अभी मतलब बहुत अच्छा है, आप लोग भी अपने घर में ट्राई करना, फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, खा कर मिलते हैं। फ्रेंड्स ये सिस्टर ने मीठी टिक्किया भेजी थी जो बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह से। अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, अभी अभी भाई उसको मैसूली देकर आया और उसने ये भेजी। देखते हैं, खाते हैं और टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं कैसी है। बहुत ही अच्छी है। वैसे भी मैं तो नहीं खाने के बाद कुछ मीठा खाने को कर रहा था, तो फिर सिस्टर ने ये भेज दिए, मज़ा ही आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स ये एक हमारा डब्बा है और ये एक भाभी का डब्बा है, ऊपर जाएगा और ये हमारा। फ्रेंड्स मैंने अभी देखा इसमें एक स्टार शेप भी है, स्टार शेप में भी बनाया है सिस्टर ने। और उसके अलावा ये फूल वाली शेप उसमें भी बनाया है सिस्टर ने, मतलब अलग अलग शेप्स में बनाया है। इस तरह बनाया है, फिर ये बिल्कुल इस तरह बनाया है, अलग अलग शेप्स में ये टिकिया बनाई हुई है। मीठी और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी और यम्मी है।